वर्तमान समय में इन दिनों शासन के आदेशानुसार बसों का परिसंचालन पूरी तरह से बंद है, जिसके कारण बस संचालकों और स्टाफ को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राइवेट बस एसोसिएशन के चंचल बाहेती ने जानकारी देते हुए बताया है कि वर्तमान समय में शासन के आदेशानुसार बसों का परिसंचालन बंद है। आगामी दिनों 31 मई के बाद शासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू में छूट को लेकर जो भी आदेश दिया जाएगा उसके अनुसार बसों का परिसंचालन किया जाएगा। चंचल बाहेती ने यह भी कहा कि वर्तमान हालातों के मद्देनजर प्राइवेट बस एसोसिएशन के द्वारा बसों के स्टाफ को एक एक माह का राशन दिया गया है। इसके साथ ही आवश्यकता अनुसार उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास भी किया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है। ज्ञात हो कि चंचल बाहेती ने अप्रैल मई और जून माह के टैक्स माफी की मांग भी की है, क्योंकि इस दौरान बसों का परिसंचालन नहीं हुआ है, इससे बस मालिकों को नुकसान हुआ है। आगे भी इसी तरह के हालात कुछ दिन और रहने की संभावना है। जैसा कि हम सबको पता है कि कोरोना इस महामारी में कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं ये पूरे मध्य प्रदेश में हैं, और जहां तक परिवहन और बस संचालन का प्रश्न है तो 31 मई तक तो जो स्थिति है वो हम सबके सामने है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं जिसके अंतर्गत जो अनलॉक की जो प्रोसेस चलेगी उसके अंतर्गत हमें जो निर्देश माननीय परिवहन विभाग द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी निर्देश हमें मिलेंगे हम उसका पालन करेंगे। परंतु जो बस मालिकों में जो एक चर्चा का विषय है कि विगत अप्रैल 12 अप्रैल से जो है वाहन का संचालन बंद है, और अप्रैल माह मई और जून जो निकट भविष्य में ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस के साथ साथ में जो थर्ड वेव का लग रहा है कि इस परिस्थितियों के अंतर्गत भी सभी बसों का संचालन तो किया जाना संभव नहीं है। जहाँ तक नीमच जिले का प्रश्न है, लगभग 150 वाहनों का यहाँ से संचालन होता है और एक या दो वाहन, इक्का दुक्का वाहन ही जो है वर्तमान परिदृश्य में चल पाएगा। हम शासन प्रशासन के साथ में हैं, कोरोना इस महामारी में संक्रमण न फैले इसके लिए जो भी दिशा निर्देश हमें मिलेंगे हम उसका पालन करेंगे। ये बात सही है, नीमच जिला अंतरप्रांतीय बस स्टैंड के हिसाब से बिल्कुल राजस्थान से लगा हुआ है। तीन दिशाओं में राजस्थान से सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण राजस्थान राज्य सरकार द्वारा अभी वर्तमान में 8 जून तक संचालन बंद किया गया है। 8 जून तक सार्वजनिक वितरण और सार्वजनिक परिवहन की जो वाहनें हैं उनको बंद करने का निर्देश राजस्थान परिवहन विभाग द्वारा दिया गया है। यहीं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी माननीय परिवहन आयुक्त ग्वालियर के निर्देशानुसार अंतरप्रांतीय वाहनों का संचालन बंद करने का निर्देश हमें दिया गया है। हम दोनों ही निर्देशों का पालन कर रहे हैं। हमारा समीपवर्ती राज्य में भी कोरोना संक्रमण की दर बढ़ी है, धीरे धीरे उनका ग्राफ अब कम हो रहा है, परंतु दोनों ही राज्यों के जो संयुक्त आदेश है उसका परिपालन करते हुए ही अंतरप्रांतीय वाहनों का संचालन किया जा सकेगा। अभी वर्तमान में जो हमारे कर्मचारी हैं बसों के, हमने ये प्रयास किया है कि हमने हमारे कर्मचारियों को लगभग एक माह का राशन की हमने व्यवस्था की है। कुछ कर्मचारियों का भोजन हम हमारे घर से या हमारे जो संस्थान है वहाँ से हम उनको करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर उनको किसी मूलभूत आवश्यकताएं या उनकी कोई ज़रूरत है तो हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि हम उनको वो सुविधाएं उपलब्ध कराएं।